अच्छा बेटा ये बात रखे इस बात में ना, हम ये काम करेंगे मुतला जीमत वाली जो वैल्यू है वो एक साइड पे लेके आएंगे और जो पास साइड वैल्यू वो एक साइड पे लेके जाएंगे। इस तरह बात जगह देखिए x प्लस टू और ये वाली वैल्यू जिस साइड पे आके ना प्लस हो जाएगी x प्लस टू इक्वल आ जाएगा फाइव, ये थ्री साइड पे जाके ना प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वन है यहाँ पे भी वन है, वन और वन कितने हो गए टू। जिस तरह आप इस तरह करते हो एक्स से जब एक्स करते हो ना तो दो एक्स बन जाता ना, इसी तरह से यहाँ पे एक्स प्लस टू वैसे ही रहेगा और ये वन हो जाएगा टू एक्स प्लस टू, इसी एक बार की लिखना है समझ आ गया ना। इससे आगे बन जाएगा पाँच और तीन आठ। अब ये जो दो है इसके बड़ा में चला जाएगा आ जाएगा एक्स प्लस टू इक्वल एट ओवर टू। अब यहाँ पे देखे चार एक बार दो दो चार बार आठ एक्स प्लस टू की वैल्यू आ जाएगी इक्वल फोर। अब ये जब आप मार्क खत्म करेंगे तो इसे एक बार जमा और एक बार मल्टी लिखेंगे तो बन जाएगा एक्स प्लस टू इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस फोर के, एक्स प्लस टू इक्वल आ जाएगा फोर के और x प्लस टू इक्वल आ जाएगा मल्टी फोर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब यहाँ देखिए x इक्वल आ गया फाइव माइनस टू हो गए x की वैल्यू आ जाएगी टू, यहाँ से देखिए x इक्वल आ जाएगा माइनस फोर माइनस टू x की वैल्यू आ जाएगी माइनस सिक्स, इस तरह टू माइनस सिक्स ये वाली चक्कर। Gracias.